और खबरें विस्तार से। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आदि महोत्सव मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातीय गौरव दिवस वर्ष 2024 के उपलक्ष में जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड और नगर निगम ग्रेटर की ओर से आयोजित आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, नगर निगम महापौर डॉ सौम्या गुर्जर, ट्राइफेड के क्षेत्रीय मैनेजर संदीप शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदि महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों की ओर से प्रदर्शित उत्पाद स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही कुछ आदिवासी उत्पाद क्रय करके शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए प्रकृति पोषण से जुड़े उनके कार्य अपनाए जाने की आवश्यकता जताई है। वहीं इस दौरान जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जनजातीय कलाकारों की उत्पादित सामग्री के प्रदर्शन के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंत्योदय के मिशन पर अंतिम पिछड़े हुए उस व्यक्ति की कला संस्कृति उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार अथक प्रयास हो रहे हैं, और उसी की परिणति है कि आज सभी आदिवासी महोत्सव के अंदर सभी आदिवासी भाई बहन हैं वो यहाँ आकर यहाँ जनजातीय या उद्यमिता शिल्प संस्कृति व्यंजन वाणिज्य आदि का ये उत्सव आयोजित हुआ है और शहरी क्षेत्र में हुआ है। यहाँ शहर के जयपुर शहर वासियों को भी इन सब से मिलने का मौका मिलेगा, इसके साथ में इनकी कला और संस्कृति को सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे आदिवासी बहन भाई हैं जिन्होंने कला और संस्कृति को हमें सहेज रखा है, उनको संरक्षित कर रखा है। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि लोकल फॉर वोकल। हमारे आदिवासियों में कई कलाकार ऐसे हैं, कई चित्रकार ऐसे हैं, कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अलग प्रकार के अपने कलाकृतियाँ बनाते हैं, और धीरे धीरे वैश्वीकरण होने के कारण और लंबे समय तक उनको देखभाल न करने की वजह से हमारा कल्चर खत्म होता गया और हमारी कलाकृतियाँ धीरे धीरे लुप्त होती गई। सभी आदिवासी विभाग के लोग या आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो शिक्षित हो गए, वो आगे चलकर नौकरी करेंगे, उद्योग करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। इसीलिए महोत्सव से भी उन जो कुछ साहित्य बनाते हैं, कई खाने की चीज़ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, तो वो उसका भी प्रदर्शन यहाँ हुआ और उसमें से वो उसकी बिक्री हो जाए तो उनको भी